कसराबाद में कंपनी द्वारा मजदूरों से अभद्र व्यवहार करने और वेतन न देने का मामला सामने आया है। निमरानी स्थित निजी कंपनी ने यूपी से आए 11 मजदूरों को 3 महीने पहले निकाल दिया। मजदूरों ने जब कंपनी से 3 महीने का वेतन और पीएफ बोनस मांगा तो कर्मचारियों ने मजदूरों से अभद्र व्यवहार किया। सर हम लोग आए थे पेमेंट लेने, पर ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा पेमेंट सेट ने होल्ड कर रखा है। हमें 2 महीने से दौड़ा रहे सर, और हम लोग जब भी आते हैं जब भी धमकी भी दे रहे हैं कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं पेमेंट नहीं दूंगा सर। इसके पहले आपने जो एक आवेदन दिया था कहाँ दिया था? हम लोग लेबर कोर्ट में व्हाट्सएप किए, और व्हाट्सएप करने के बाद फिर वो लोग बोले ठीक है हमें टाइम दो कुछ दिन के लिए, तुम आगे की जानकारी तुम्हें देंगे। क्या हुआ उसका? तो कोई जानकारी नहीं मिली सर। अब हम लोग सोचे कि पेमेंट का टाइम है, यहाँ आ करके अपना पेमेंट ले लें। कितना पेमेंट बकाया है? पेमेंट हमारा साहब 22-23 ड्यूटी है साहब। भगाने की घटना पूर्व में पहले कंपनी के द्वारा की गई थी? हाँ साहब, क्या है कि हम लोग काम कर रहे थे, सुपरवाइजर रात में दारू पी रखा था। मुझे भी 4 बजे भगा दिया गया था। क्या कंपनी में मजदूरी कितनी मिलती है आपको? सर कंपनी में मजदूरी तो 350 के लाया था, पर ये मतलब 200 के अंदर दे रहा है। मतलब ये पप्पू ठेकेदार। क्या नाम है ठेकेदार का? पप्पू ठेकेदार। लाइसेंस है उसके पास? ये तो सर अब उसको अब क्या मतलब अपनों को है कि नहीं है उसके पास। फर्जी चला रहा है, फर्जीवाड़ा सब चला रहा है। फर्जीवाड़ा चल रहा है? हाँ फर्जीवाड़ा चल रहा है। कंपनी का ये श्रीवरत। कितना पैसा बाकी तुम्हारा? हमारा 22,000 रुपये रुके हुए 3 छोरे उनके। क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? वो दे नहीं रहा है, और घर पे जाते हैं तो बोल रहे हैं कि मेरे माता मत खराब करो, हमको उल्टा गाली गलौज कर रहा है। कहाँ रहता है ये? यहाँ सिंगा चोरी पे। आज इन्होंने एक आवेदन दिया है भारतीय मजदूर संघ को कि जिसमें इनकी पीड़ा श्रीवद्ध पॉलीबैग के मैनेजर के द्वारा जानकीलाल यादव, जिन्होंने मजदूरों के साथ अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज की, धमकियां दी, जो श्रीवद्ध पॉलीबैग में जो मजदूरों का शोषण हो रहा है मात्र 180 रुपये में